सोशल मीडिया पे जो मैंने देखा है वो तीन या चार प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले आता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, यूट्यूब। सबसे पहले मैं बात करूँगा फेसबुक पे। फेसबुक पे फोटोज और जितनी भी आप क्लिप्स वगैरह डालती हैं उस पर इतना ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं आता जितना आता है वीडियोस पे। आपकी वीडियो जितनी इंटरेस्टिंग होगी, जितना उसमें नॉलेज होगा, जितना उसमें कंटेंट होगा, और जितना कंटेंट इंटरेस्टिंग होगा, जितना एक आई कैचिंग नहीं होता, जो अगर आपकी पेंटिंग आई कैचिंग होगी उसी पे लोग ज़्यादा, उनके जो ग्रुप्स होते हैं, जो आर्ट के बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं, अगर आप सर्च करें तो दुनिया भर में जितने आर्टिस्ट हैं उनके अपने अपने सर्कल है और उनके अपने अपने ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पे आपको बार बार शेयर करना पड़ता है। जैसे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ मैं खुद ही शेयर करता हूँ, मैं किसी का वेट नहीं करता कि वो मेरी वीडियो शेयर करे। मैं खुद ही अपनी वीडियो डिफरेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ जहाँ से मुझे मिलती है एंगेजमेंट और ऑडियंस मिलती है, उसी तरह मेरा पेज ग्रो होना शुरू हो जाता है। दूसरी बात करूँगा मैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पे आपको काम करना पड़ता है अपनी आर्टिस्ट की बायोग्राफी, आर्टिस्ट की स्टोरी, आर्टिस्ट जो भी आपकी पिक्चर, जो भी पेंटिंग होती है उसकी एक डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें आते हैं तीन फैक्टर। अगर आप ये तीन फैक्टर मिस कर देंगे तो बहुत मुश्किल है आपको क्लाइंट मिले। एक तो आपको लिखना होता है, सबसे पहले आता है मीडियम आता है आपका, जैसे ये एक्रेलिक ऑन कैनवस है ये मीडियम हो गया। जैसे ऑयल पे आप काम करिए तो ऑयल ऑन कैनवस हो गया, ऑयल ऑन लिनन, ऑयल ऑयल ऑन वुड वगैरह वगैरह। दूसरी बात आती है साइज, पेंटिंग का साइज क्या है, क्योंकि अब बार बार भी आप एक, जैसे आपने कैप्शन में एक बार लिख दिया कि इस पेंटिंग का ये साइज है, पता हो जाता है कि ये पेंटिंग का साइज है, तो जैसे कोई भी क्लाइंट पूछता है तो आप फौरन बता देते हैं। और तीसरी बात आती है टाइटल और ईयर ऑफ क्रिएशन, किस साल में आपने क्या काम करा। जैसे कोई भी आप पोस्ट कर रही हैं, जैसे मैं कभी कभी भी जैसे 2021 में तो मैंने 2015 की भी अपनी कुछ पेंटिंग दिखा ली ताकि लोगों को पता चले कि मैं कितना आगे चला गया और कब से मैं काम कर रहा हूँ। और इन्हीं हैशटैग से आपका आर्टवर्क आता है एक्सप्लोर पेज में। अगर आप कभी नोट करना कि इंस्टाग्राम पे जो सेकंड ऑप्शन होता है सर्च का, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं। जब आप अच्छे हैशटैग या पॉपुलर हैशटैग यूज़ करती हैं तो आपका काम वहाँ पे आ जाता है। और अब मैं थर्ड सोशल मीडिया की बात करूँगा, वो है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट बेसिकली अगर आप किसी भी हाउस वाइफ या किसी भी एक जो बिजनेस चला रहा हो, कोई भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हो, वो पिंटरेस्ट पे आइडियाज सर्च कर दे ताकि वो अपने बिजनेस को थोड़ा, अपने घर को अच्छा कर सके या अपने बिजनेस को थोड़ा डेकोर कर सके। तो वहाँ पे जितना ज़्यादा आप काम डालेंगे अपना उतना, और उस पर एक ही चीज़, एक ही फैक्टर होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका टाइटल। कोई भी पेंटिंग का जो टाइटल होगा उससे ही आपकी ऑडियंस आएगी। टाइटल डजंट मैटर योर पेंटिंग टाइटल, इट कैन बी एनीथिंग। एग्जाम्पल जैसे हम आज काम कर रहे हैं सूफी बिल्डिंग दिलपेश पे, तो यही टाइटल रखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, जैसे ही किसी को भी अगर सूफी की पेंटिंग चाहिए होगी तो सबसे पहले यही लिखेगा कि बिल्डिंग दिलपेश पेंटिंग्स, तो सबसे पहले आपकी पेंटिंग आ गई होगी। लग्जरी आइटम में आता है और इस पर कस्टम ड्यूटीज भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। एक नॉर्मल अगर जूते की बात करें तो साची आर्ट पे, साची आर्ट पे मेरा काम 50-60 प्लस सोल्ड हो गया होगा, लेकिन जो मेरा मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसिव, जो हाईली एक्सपेंसिव सोल्ड हुई है वो इंस्टाग्राम पे थ्रू सोल्ड हुई है। मैं समझता हूँ कि इंस्टाग्राम एक बेहतरीन 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 प्लेटफॉर्म है किसी भी एक ऑडियंस है, जो स्पेसिफिक एक हमारे क्लाइंट्स वगैरह के, और उनकी एक स्पेसिफिक एज है, एक लिमिट है। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है जो 30 से नीचे हो, आपको खुद ही दिख जाता है उनकी प्रोफाइल वगैरह। वैसे तो मेरे पास जो क्लाइंट आते हैं वो 30 अबव होते हैं, 40 अबव होते हैं, 50, और मोस्टली मैरिड कपल्स होते हैं, या किसी को गिफ्ट देना चाह रहे हो वो काफ़ी ओल्ड होते हैं। यंग जनरेशन कभी भी आर्ट नहीं देते, ये बहुत ही रेयर। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया में कैसे किस तरह चलता है, तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि आपसे कोई क्लाइंट मिस ना हो। ईयर से पहले बात करूँ तो मेरी पेंटिंग सोल्ड हुई थी 2 या 3, और लास्ट 2 ईयर्स में मेरी 150 प्लस सोल्ड हो गई। तो आप डिफरेंस देख लें, जिस तरह मेरा काम इम्प्रूव होता गया, और जितने नए आइडियाज पे काम, और जिस तरह मैंने आर्ट मार्केट में पूरा समझा क्या चीज़ पॉपुलर है उस चीज़ पे काम किया, तभी मेरा काम सोल्ड होना शुरू हो गया।